इन दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 21। और इस लेक्चर के अंदर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज तक आपको इंस्टॉलमेंट के जिस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आज के लेक्चर के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप प्रिंसिपल है आपका 10,000 और रेट आपकी कितनी भी हो, मान लो 10% है और टाइम आपका 2 ईयर्स है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में 20% यानी कि 2,000 रुपये बनेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी बंदे को पैसा 10,000 रुपये उधार दे दो 2 साल के लिए, या फिर 10,000 × 2 या फिर 20,000 आप उधार दे दो कितना 1 साल के लिए, तो बात क्या होगी, एक ही होगी, क्योंकि इसके ऊपर 1 साल का ब्याज या 10,000 रुपये पे 2 साल का ब्याज, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम काफी इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। कहता है 10 रुपये आपने किसी से उधार लिए और आप उसको 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो 1-1 रुपये की, तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट बताओ। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसमें ये निकाला करो आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट 1-1 रुपये की, 11 रुपये पे कर दिए, उधार कितने लिए थे सिर्फ 10 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ 1 रुपया। अच्छा ये इंटरेस्ट 1 रुपया हुआ कैसे, अब आपको ये बताता हूँ मैं। पहले आपने 10 रुपये उधार लिए, 1 महीने के बाद आपने 1 रुपया पे किया, यानी कि पहले 10 रुपये के ऊपर कितने महीने का ब्याज लगा होगा, 1 महीने का, क्यों, क्योंकि 10 रुपये को आपने सिर्फ 1 मंथ तक यूज किया, 1 मंथ के बाद 1 रुपया तो आपने पे कर दिया, आगे प्रिंसिपल कितना रह गया आपका 9, तो यानी कि इस 1 रुपये जो ब्याज है ना, मैं उसको कैसे लिखता हूँ, 10 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज, 1 मंथ का ब्याज, उसी के बाद फिर उसी तरह से हम लिख देंगे 9 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज, आप समझ रहे हो मेरी बात, फिर उसके बाद 1 और पे कर देंगे लास्ट में, करते करते लास्ट में 1 रुपये बच जाएगा, ठीक है, और 1 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज। यहाँ पे मैं ये 1 मंथ का ब्याज कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, 1 मंथ का ब्याज, मैं पूरा आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको सिखाऊंगा कि अभी कैसे आप आसानी से इसको सोल्व करोगे। 1 मंथ का ब्याज देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फिर 10 + 9 प्लस में कितना आ जाएगा 1, और ये एक एपी होती है, एपी में टर्म कितनी है 10 × 2 a + l, ये फॉर्मूला होता है ना आपका, तो कितना आएगा 55, यानी कि 55 रुपीज़ पर 1 मंथ का ब्याज। कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना होएगा 1/12 ईयर, अपॉन में क्या होता है 100, और ये किसके इक्वल है 1, तो बताओ यहाँ से रेट कितनी आएगी, ये 1200 उधर चला जाएगा और 55 नीचे, 5 पे काट दो इसको, 5 पे काटोगे 240 अपॉन में कितना आ गया आपका 11, 11 2 जा 11 1 जा, और ये आपका कितना आएगा 9/11, 21 and 9/11% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको फटाफट कैसे करना है, देखो ब्याज कितना हो गया बताओ 1 रुपया, ये 1 रुपया ब्याज कैसे बना, इस पहले 10 रुपये पे 1 महीने का ब्याज, फिर 9 पर, और लास्ट में इसको लेके जाके आप 1 पे कर दिया करो, ठीक है, पर 1 मंथ का ब्याज, और ये कितना आएगा आपका एडिशन 55 इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, बताओ यहाँ से रेट की वैल्यू कोई भी बच्चा कितनी आसानी से निकाल सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, अजय ने 19 रुपये उधार दिए अतुल को और उसने पेमेंट वापस ली 20 महीनों में 20 इक्वल 1-1 रुपये की इंस्टॉलमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 19 रुपये आपने उधार दिए और बदले में आपको मिल कितने गए 20 रुपये, इंटरेस्ट कितना हुआ 1 रुपया, ये इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ, देखो पहले आपने 19 रुपये यूज किए होंगे, यानी कि 19 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, फिर 18 पर लगा होगा, फिर 17 पे लगा होगा, लास्ट में करते करते 1 रुपये पे लगा होगा, पर 1 मंथ का ब्याज। अब आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको देखना कितना आसान लगेगा ये, और ये कितना हो गया टोटल, देखो ये टोटल 19 टर्म है n/2 × a + l, तो यानी कि कितना हो गया ये 190 हो गया, तो 190 रुपये पर 1 मंथ का ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय क्या होता है 100, तो ये काट दो तो आपका कितना आ गया बताओ, रेट रेट आ गया आपका 120 अपॉन में 19, ये 6 पे कटेगा 6/14, यानी कि 6 and 6/14% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ पे किया हमने 19 है नीचे, तो 6 and 6/19% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चाहता हूँ और जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देगी। देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2070 रुपये आपने पे करने हैं
10 मंथली इंस्टॉलमेंट में, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 230 रुपए की। वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आप मुझे बताओ कि आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है। फिर 230 रुपए 10 बारी में पे करोगे तो यानी कि 2300 रुपये पे कर दिए, और पे करने थे सिर्फ आपको कितने, 2070, यानी कि लोन आपने लिया था सिर्फ 2070 का, तो 230 रुपये का आप क्या पे कर रहे हो बताओ मेरे को, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बना कैसे, ये वही बात, आपने उधार कितने लिए, 2070, तो 2070 पर पहले एक मंथ का ब्याज लगा होगा, ठीक है, एक मंथ का ब्याज, और फिर उसके बाद इसमें से क्या करोगे, 230 फिर घटाओगे, फिर लास्ट में 230 बचेगा, है ना। आप खुद सोच लो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं एक लाइन लिखता हूँ, 9 रुपये, आप ये कह दो कि एक एक रुपये की 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने किसी से 9 रुपये उधार लिए और आप उसको एक एक रुपये की 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस कर रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, 1 रुपया हो गया। या फिर आप कहो 90 रुपीज, और आप उसको 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको वो पैसा वापस कर रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ, 10 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि 10-10 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंट, 100 रुपये पे करते हो, उधार कितना लिया था, 90, इंटरेस्ट कितना हो गया, 10। या फिर मैं कहूँ कि 900 रुपये आपने उधार लिए और आप 100-100 रुपये की, आप 100-100 रुपये की 10 मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर वो पैसा वापस कर रहे हो, तो इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ, 100 रुपये हुआ। ये बात आप किसी भी टीचर के लेक्चर में देखोगे ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कैलकुलेशन में कहता हूँ इसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में। अब मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि चाहे आप ये 9 रुपये उधार लेके 1-1 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंट वापस करो, तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगी जितनी आप 90 रुपये उधार लेके 10-10 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करोगे, चाहे 900 रुपये उधार लेके 100-100 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करोगे। इनमें तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ठीक है, अभी मैं ये आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे सेम रहती है। देखो पहले पार्ट में पहले मैं प्रूव करता हूँ, इंटरेस्ट कितना बन गया, 1 रुपया। ये इंटरेस्ट कैसे रहा होगा बताओ, पहले 9 रुपये उधार लिए थे तो 9 रुपये पर आपका एक मंथ का ब्याज लगा होगा, है ना, 9 पर लगा होगा पहले, फिर 8 पर लगा होगा, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर लास्ट में 1 पे लगा होगा, है ना। तो यानी कि 1 + 9 ये कितना हो गया, 45 हो गया, इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में कितना आ गया, 100, 5 पे काट दो, यानी कि रेट कितना आएगा आपका, 240 डिवाइड बाय 9, 3 पे काट दो, 80/3, यानी कि 26.2/3% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि आपने 9 रुपये उधार दिए और 1-1 रुपये की 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करा, मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा आपका, इतना होगा। ठीक है, या फिर मैं इसकी बात करूं, अब बताना मेरे को इंटरेस्ट कितना है, 10, पहले 90 रुपये पे लगेगा ब्याज, फिर 80 पे, फिर 70 पे, और फिर ऐसे करते करते लास्ट में 10 पे लगेगा, पर एक मंथ का ब्याज, यानी कि रेट इंटू टाइम और अपॉन में क्या हो गया, 100। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि क्या यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है क्या, 10 कॉमन आएगा, ये 10 से 10 काट दूँ, अब ये तो ऊपर वाला नहीं बन गया, 1, 9 + 8 + 7 + 1 और इंटू में रेट इंटू में 1/12 ईयर्स और अपॉन में 100। आप देखना इसमें और इसमें क्या फ़र्क रह गया, कोई फ़र्क नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कैलकुलेशन को आसान अगर आपको बनाना है ना, तो बड़ी वैल्यू हो तो आप उसको छोटी कर लिया करो। ठीक है, यानी कि जितने जितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है और जितने रुपए आपने उधार लिए थे, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर कटता है ना, तो उसको क्या कर दो, काट दो। जैसे यहाँ पे 10-10 रुपये की है, 1-0 काट दो, यहाँ 100-100 रुपये की है, 2-0 काट दो, ऐसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहता है आपने 2070 रुपये उधार लिए हैं और कितने कितने की इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसको, 230 की। देखो 230 को आप 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, तब आपका 2070 आता है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ 230 कॉमन लेके हटा दो, आप 230 को क्या मान लो, 1 रुपये मान लो, आप क्या मान लो, 230 रुपये को आप 1 रुपये मान लो अपने दिमाग में। तो आप बताओ मेरे को, आपने पैसा उधार कितना लिया, आप कहोगे सर ये 230 गुना 9 होता है, यानी कि 9 रुपये आपने उधार लिए, लोन कितने का लिया आपने, 9 का, आप पे कितना कर रहे हो उसको, 230 की 10 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 1 की 10 इंस्टॉलमेंट, 10 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, 1 रुपया हो गया। भाई इंटरेस्ट आपका जो 230 था, वो 230 मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, है ना, मैंने 230 को हटा दिया क्वेश्चन से। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये,
पहले 9 रुपये पे ब्याज लगा, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर लास्ट में करते करते 1 पर एक मंथ का ब्याज। ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था। इन सब का टोटल कितना आएगा बताओ, 45 इंटू रेट इंटू टाइम, एक मंथ, ईयर बनाते हैं ठीक है, ओपन में 100, तो आर कितना आ गया आपका 80/3%। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना तो ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे ठीक है, क्योंकि 230 पे कैलकुलेशन करना मुश्किल है लेकिन 1 रुपये पे कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ सेम ऐसा ही, ये बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये आपने उधार लिए, 2,000 तो आपने क्या दे दिए, कैश डाउन पेमेंट कर दी, और बाकी 9 मंथली इंस्टॉलमेंट दिया आपने कितने कितने की, 1,000 रुपये की। अब आप खुद सोचो इसमें से 2,000 आपने कैश दे दिए यानी कि लोन कितने का हुआ, 8,000 का, टोटल पे कितना किया आपने, 1,000 रुपये की 9 इंस्टॉलमेंट यानी कि 9,000, इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ फिर, 1,000 यानी कि एक इंस्टॉलमेंट आप फालतू पे कर रहे हो। मैं यहाँ पे पता है क्या कहता हूँ, 1,000 रुपये को, 1,000 रुपये को आप क्या मान लो, 1 रुपये मान लो, 1,000 रुपये को क्या मान लो आप, 1 रुपये मान लो, तो क्या होगा देखो, आप कहोगे सर लोन फिर हमने 8,000 का नहीं लिया, लोन कितने का लिया है फिर हमने, 8 रुपये का लिया है, पेमेंट कितनी करी हमने, 9, तो इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, 1। तो बस ये तो वही क्वेश्चन बन गया, इंटरेस्ट 1 जितना आपने लोन लिया, पहले महीने 8 पे ब्याज लगा, फिर 7 पे, फिर 6 पे, लास्ट में कितने पे लगेगा, 1 पे, पर एक मंथ का ब्याज, पर एक मंथ का क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। इन सब का टोटल 8 टर्म है, 1+8 यानी कि कितना हो गया, 4, 4, 9 जा कितना हो गया, 36, तो ये 36 इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय क्या होता है हमारा 100, तो ये कितना हो गया 3 यानी कि रेट कितना हो जाएगा फिर 100/3 और 100/3 कितना होता है 33.33%। तो देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग में सोच के ये बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी 9 रुपये, 90 रुपये और 900 रुपये का एग्जाम्पल देके और उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हम एक लेक्चर के अंदर और करेंगे, 4-5 क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ कैश डाउन पेमेंट कर देते हैं और फिर कुछ पे क्या करते हैं हम इंटरेस्ट देते हैं और उसमें हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है। तो अगले लेक्चर में जो है ये हम पूरा का पूरा ऐसा ही कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।